छतरपुर में पुराने तहसील भवन में समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास एवं पुनर्वास केंद्र CRC का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक एवं जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने फीता काटकर किया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के दिव्यांगों को संबोधित करते हुए कहा कि समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास एवं पुनर्वास केंद्र CRC के उद्घाटन से अब बुंदेलखंड अंचल एवं बघेलखंड अंचल के दिव्यांग भाई बहनों को सुविधा होगी और उन्हें यहीं पर सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा कि अभी तक यह केंद्र भोपाल में हुआ करता था, लेकिन अब दूसरा केंद्र मध्य प्रदेश के छतरपुर में खुल जाने से दिव्यांग जनों को केंद्र की समस्त योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर छतरपुर भाजपा के पदाधिकारियों के अलावा कलेक्टर संदीप GR, DIG ललित शाक्यवार, SP अमित सांगी सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा समय के क्षेत्रीय कौशल विकास एवं पुनर्वास केंद्र का CRC का उद्घाटन किया है हम गया है। पर हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, उनका भी बहुत दिनों से इस संबंध में आग्रह था और मध्य प्रदेश में इसके पहले केवल भोपाल में ये केंद्र था और मध्य प्रदेश में एक केंद्र होने से दूरस्थ क्षेत्र के जो हमारे दिव्यांगजन हैं उन दिव्यांगजनों को CRC भोपाल पहुंचकर कौशल विकास, पुनर्वास, डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, इन सारी चीज़ों की सेवाओं का लाभ लेने में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और हमने अपने विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके कि मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा है और हमारे जो बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल के बीच में एक केंद्र की आवश्यकता है, तो छतरपुर में आज यहाँ पर यह CRC का उद्घाटन किया गया। अभी हमने मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध किया था तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अस्थाई भवन यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जब तक कि हमारा नया भवन नहीं बन जाता है उसके लिए 2 हेक्टेयर भूमि भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आवंटित कर दी गई है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का और प्रभारी मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। यह जगह उपलब्ध हो जाने से और शीघ्र हम वहाँ पर भवन निर्माण का कार्य हमारा प्रारंभ होगा, तब तक हमारे केंद्र की सेवाओं का, गतिविधियों का संचालन इस स्थान से किया जाएगा। अभी छोटे स्थान में मिला है, जितना स्थान मिला है उतने स्थान में उसका शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ आने वाले जो दिव्यांगजन हैं उन दिव्यांगजन साथ उसमें छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर काउंसिलिंग भी की जाएगी, उनका पंजीयन होगा, फिर दिव्यांगजनों का परीक्षण होने के बाद उपकरण दिए जाने तो वो भी, फिर फिजियोथेरेपी की सेवाएँ भी प्रारंभ की जाएंगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सब तरह की थेरेपी यहाँ पर भी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जब हमारा नया भवन बन जाएगा तो क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, यानी डिसेबिलिटी की बचपन में ही, छोटी उम्र में भी पहचान करना और जितनी कम उम्र में पहचान हो जाएगी उतने ही उसके इलाज के लिए शीघ्रता से उसकी सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। और डिग्री डिप्लोमा कोर्स की भी, हम कुछ डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स भी फिजियोथेरेपी से जुड़ोगे हमारे डिसेबिलिटियों के, तो डिसेबल्ड लोगों के उसके भी डिग्री डिप्लोमा कोर्स भी नए भवन बन जाने के बाद वो भी प्रारंभ किए जाएंगे। यानी आने वाले समय में यह हमारा CRC केंद्र केवल मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी राज्यों के भी दिव्यांगजनों के लिए इस केंद्र के माध्यम से अपनी सेवाएं देने में और काफ़ी सफलता के साथ में अपना योगदान देगा। मध्य प्रदेश में अभी केवल एक केंद्र था भोपाल में और सामान्य रूप से राज्यों में एक ही घूमता है, अभी ये मध्य प्रदेश में अपना। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।